हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉर्टिकल्चर एक्सप्लोरर। जैसे आप सभी को ज्ञात है, हम हॉर्टिकल्चर एक्सप्लोरर चैनल में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, बागवानी से रिलेटेड बातों पे जो हम बातें करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट में हम जो है क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बागवानों की क्वेरीज आ रही है कि हम सेब तोड़ने के बाद अपने बगीचे में क्या क्या करें और कौन से स्प्रे करें। तो मैंने इस पे जो है पहले भी एक वीडियो बना रखा है, फिर भी बागवानों को काफ़ी कंफ्यूजन आ रही है कि हम ब्लाइटॉक्स के साथ क्या मिक्स करें और कौन कौन सी न्यूट्रिएंट कब और कैसे स्प्रे करें। तो मैं आज आप लोगों को एक इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपने बगीचे में टाइम पे जो है अच्छे से स्प्रे कर सकें। सबसे पहले जैसे सेब तोड़ने के बाद आप जो है ब्लाइटॉक्स 600 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बना के अवश्य स्प्रे करें। ब्लाइटॉक्स जो है आपके बगीचे में सेब के पौधे में जब सेब तोड़ान के दौरान जो कुछ इंजरीज आई है उसको रिकवर करता है और साथ ही साथ जो कैंकर जैसे हानिकारक बीमारी को आने से बचाता है। और ब्लाइटॉक्स के साथ आप किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स का मिक्स ना करें, आप जो है ब्लाइटॉक्स को सिंगल ही करें। और उसके 10 या 15 दिन बाद जो आप जैसे चीलेटेड कैल्शियम हो गया 100 ग्राम और जिंक हो गया 100 ग्राम और मैग्नीशियम 100 ग्राम और यूरिया 2 kg आप इसका जो है स्प्रे कर सकते हैं। और अपने सेब के तोलिया में जो आप NPK जैसे आपका 12-32-16 हो गया उसका जो है 1 kg पर प्लांट के हिसाब से आप अपने सेब के तोलिया में जो है इसको डाल सकते हैं, जिससे जो आपके अगले साल की क्रॉप अच्छी रहेगी। और आपके बगीचे में अगर स्कैब की शिकायत रही हो तो आप जो है जब लीफ आपके 75% फॉल हो चुके हो तब जो आप 10 kg यूरिया 200 लीटर पानी में घोल बना के इसका स्प्रे अवश्य करें, जिससे जो आपके जो अफेक्टिव लीव्स होते हैं वो सारे बर्न हो जाएंगे और इससे जो आपके स्कैब जो है अगले साल के लिए नहीं आएगी। और उसके बाद जो आप स्कैब से बचने के लिए अगले साल ग्रीन टिप स्टेज पे 200 ग्राम डोडिन का स्प्रे अवश्य करें और आप जो वॉलनट स्टेज के आसपास 150 ग्राम डोडिन का स्प्रे अवश्य करें। और बाकी आप जो है हमारे विभाग के जो स्प्रे शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप स्प्रे करें, उससे जो आपकी स्कैब आपके बगीचे में नहीं आएगी। आज का मेरा वीडियो यही था कि आप लोगों को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या करने, इस पर कन्फ्यूजन था, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी तो मैं इसको क्लियर करना चाहता था। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास और भी कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेरीज हो तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।